अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और जी बड़े मज़े से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि ज़बरदस्त नहीं, बहुत ही पावरफुल दानों की दुश्मन क्रीम लेके आई हूँ। ये जो क्रीम है ना, ये दुश्मन है दुश्मन दानों की, जो जितना भी दानों ने आपके फेस पर राज किया हुआ ना, ये उस राज को ख़त्म करेगी। और आज की वीडियो है जी मेरी उन प्यारी सी बहनों और भाइयों के लिए भी। जी हाँ, इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि फेस पर जी बहुत ज़्यादा दाने हैं पिंपल्स की वजह से, एक्ने की वजह से, इस तरह के कुछ मोटे मोटे दाने हैं, रेशे वाले दाने हैं, उनके अंदर पस भरी हुई कुछ इस तरह के दाने हैं। तो क्या करना है आपने, जो आज मैं आपको ये क्रीम बताऊंगी आपने ये यूज़ करनी है। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो यकीन करें अपनी टीन एज से लेके अडल्ट एज तक आने तक मेरे फेस पे इतने दाने निकले कि अगर मेरा फेस, जो अगर मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है कि मैं आपको दिखाती कि मेरे शायद पुराने सेलफोन में हो, क्योंकि वो भी ख़राब है, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर दिखाती कि मेरे फेस पूरा भरा हुआ था दानों से, मोटे मोटे दानों से मेरा फेस, यहाँ पर फोरहेड पे, चिन पे, मतलब मेरा फेस उस टाइम ऐसे था, स्वेलिंग लगती थी मेरे फेस पे दानों की वजह से। और यकीन करें, अगर उस टाइम मैं अच्छी स्किन केयर ना करती तो मेरा फेस आज आपको इस तरह से ना दिखता, मतलब निशान होते मेरे फेस पर। तो ये कि उस टाइम अगर आपके फेस पर भी जो एक कहते हैं ना कि जवानी के दाने जो निकलते हैं, जिस टाइम निकलते हैं, तो फिर उस टाइम अगर आप एक अच्छी स्किन केयर ना करें तो यकीन करें आपकी स्किन जो होती है वो टोटली ख़राब हो जाती है, और वो जो पिंपल्स होते हैं वो अपना निशान छोड़ जाते हैं। तो उस टाइम एक अच्छी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने की उनमें, जो मैंने की वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उनमें से एक क्रीम ये वाली जो है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने उस टाइम भी यूज़ की थी ये क्रीम और मैं अभी तक स्टिल यूज़ कर रही हूँ उस क्रीम को। ये देखें जी, मैंने एक ये बनाई है और एक मैंने ये बनाई है, मैंने दो बनाई है, क्योंकि जी एक मैंने अपने लिए बनाई और एक मैंने जो अपनी फैमिली में किसी को देनी है, उनके फेस पर भी बहुत ज़्यादा पिम्पल्स का जो है वो प्रॉब्लम है, तो उनको मैंने ये क्रीम देनी और एक मैंने अपने लिए बनाई है। तो इस क्रीम को आप, मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, चलें जी मैं अब आपको बनाने का तरीका बताती हूँ, वो देख लें आप। लेकिन उससे पहले आप सबने क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये सब्सक्राइब और लाइक होता नहीं, आपकी तरफ से गिफ्ट होता है, देख के बड़ा दिल खुश होता है। और यस, ये कि आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, अदरवाइज मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपसे स्किप हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले जी आपने ले लेनी है जी तिब्बत स्नो क्रीम। यहाँ पे आपको तिब्बत स्नो नज़र आ रही होगी ये क्रीम, और ये क्रीम हमारी नानियों दादियों के ज़माने से यूज़ होती आ रही है, उन्होंने भी यूज़ की है, और मेरी खुद भी बड़ी फेवरेट क्रीम है। इतने अरसे से ये यूज़ हो रही है और स्टिल अभी तक ये क्रीम जो है वो यूज़ हो रही है। और ये जो क्रीम है ना, यकीन करें जो आजकल की क्रीम्स है ना, यकीन करें इस क्रीम के सामने मेरे नज़र में तो वो फ्लॉप है, इतनी इसके अच्छे रिजल्ट हैं इस क्रीम के। तो ये जो तिब्बत स्नो क्रीम है, एक तो ये लो केमिकल्स है, इसमें वो वाले केमिकल्स नहीं है, और अगर आप जो कि आजकल की केमिकल्स से भरी हुई क्रीमों में है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी तिब्बत स्नो क्रीम के 3 टीस्पून। मैंने 3 टीस्पून तिब्बत स्नो क्रीम डाल दी है। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो क्रीम बना के देनी भी है, तो ये कि इसलिए मैंने 3 टीस्पून यहाँ पर तिब्बत स्नो क्रीम ऐड कर दी है। अब जी आपको नेक्स्ट चाहिए जी हुस्ने यूसुफ। जी हाँ, हुस्ने यूसुफ के नाम से तो आप वाकिफ होंगे और जानते भी होंगे। हुस्ने यूसुफ की बहुत सी क्रीम्स आपने देखी होंगी, उपटन में भी यूज़ होता है। हुस्ने यूसुफ आप कह लें कि ये एक मैजिकल, आप कह लें कि एक इंग्रेडिएंट है। ये जो हुस्ने यूसुफ होता है ये ना, ये आपके रंग को तो वाइट करता है, रंग वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन वाइटनिंग के लिए। लेकिन जी ये इतना पावरफुल होता है कि ये आपके पिम्पल्स शिम्पल्स को जो है वो ख़त्म करता है, पिम्पल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इवन दो के दानों, पिंपल्स पिंपल्स के अलावा इवन चीचक जो होती है, इतनी आपके अलग का मर्ज होता है, उस पे तक ये वर्क करता है, उनके निशान पर भी वर्क करता है, इतना ही पावरफुल होता है। और आपके फेस पर एक ग्लो लेकर आता है, रंग को वाइट करता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए स्क्रीन में ऐड कर रही हूँ जी, मैं यहाँ पर हुस्ने यूसुफ के तकरीबन आप कह लें कि 3 चुटकियाँ, ठीक है जी, 1 चुटकी डाली हमने, 2 डाली 3, मतलब इस तरह से 3 चुटकियाँ आपने जो है वो हुस्ने यूसुफ की ऐड कर देनी है। रेशो आपने ये रखनी है क्रीम में कि जी अगर आप 1 टीस्पून ले रहे हैं क्रीम, तो फिर आपने 1 चुटकी उसमें हुस्ने यूसुफ डालनी है, ठीक है, मतलब आपने ये रेशो रख लेनी है। यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून क्रीम ऐड की थी, तो मैंने 3 चुटकियाँ ही इसमें मैंने जो है वो हुस्ने यूसुफ की ऐड करनी है, ठीक है जी, क्वांटिटी आपने ध्यान से डालनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको चाहिए जी, अब जी यहाँ पर रोज़ वाटर।
जी बिल्कुल, रोज वाटर हम इसमें डालेंगे, और रोज वाटर जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना अच्छा होगा, जितना खालिस होगा, प्योर होगा, उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो आजकल आप कह लो कि जो मार्केट से मिलते हैं, बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो उतने ओरिजिनल भी नहीं होते, फिर हमें अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलते। कोशिश करेंगे घर में ही बना लें, प्योर बनाएं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 टीस्पून रोज वाटर जो है वो ऐड कर दिया है। आप अभी इसको हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, और ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें और भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून रोज वाटर जो है वो और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 टीस्पून ही रोज वाटर इस क्रीम में ऐड कर दिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हमारी ज़बरदस्ती दानों की दुश्मन क्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको आप शिफ्ट कर लें किसी भी जो है आपकी क्रीम की एम्प्टी जो बॉटल है उसमें आप शिफ्ट कर लें, और ये ले जी आपकी क्रीम ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। इस क्रीम को आपने रात को लगाना है, अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपने अपने फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद जैसे ही ड्राई हो जाए तो आपने यूज़ करना है सबसे पहले रोज़ वाटर। और रोज़ वाटर एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए, पिंपल्स वालों स्किन वालों के लिए बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त होता है। मेरे जब बहुत ज़्यादा पिंपल्स फेस पर थे तो यकीन माने मेरे बैग में हर टाइम मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो रोज़ वाटर मेरे बैग में होता था। आपने दिन में चलते फिरते जो है वो बस रोज़ वाटर को जितना हो सकता है आपने यूज़ करना है, ये आपके पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी अपने फेस पर रोज़ वाटर अप्लाई करना है जैसे ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई करना है जी ये वाली दानों की दुश्मन क्रीम, और इसको आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। और ये क्रीम ना सिर्फ आपके आप कह लो कि दानों को ख़त्म करेगी, पिंपल्स और एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके रंग को भी साफ करेगी, और आपके दाग जो पड़ गए हैं, दानों के निशान हैं या स्कार्स जो भी बन गए हैं उनको ख़त्म करेगी। और इसके साथ आपको कोई वाइटनिंग क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़बरदस्त आपको ये रिज़ल्ट देगी। तो इस क्रीम को आपने लगाना है रात को और सो जाना है। और ये था जी इस क्रीम को अप्लाई करने का तरीका। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब देख इस बात की आप बनाएं और इसको अप्लाई करें। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त इसी तरह की, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।